निधि क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की इंचार्ज बनाया, कि आप किस तरीके से काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ के लिए अच्छा बोलो, अच्छा पार्टी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि पार्टी ने मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने मुझे जम्मू वेस्ट का इंचार्ज बनाया, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंडर मुझे काम करने का मौका दिया। मैं सबसे पहले अपने बीजेपी पार्टी का, अपने अध्यक्ष रविंदर रैना जी का, अपने इसमें इंचार्ज प्रिया सेठी मैम जी का, सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और आने वाले दिनों में जो मुझे जम्मू वेस्ट का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इंचार्ज बनाया है, वो मैं ग्राउंड लेवल तक, जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी का कहना है कि लड़कियों को अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, अपने लिए हर वक्त खड़ा होना चाहिए, और लड़कियों के लिए जितनी भी स्कीम इसके अंडर फॉल करती हैं वो मैं पूरे तह दिल से इस ग्राउंड फ्लोर तक इस स्कीम को लेकर जाऊंगी। और आने वाले दिनों में आपको जम्मू वेस्ट की हर लड़की की तरफ ये स्कीम पहुंची नजर आएगी। ये मेरा एक वादा है आप लोगों से कि मैं अपने काम के लिए डेडिकेशन से इस काम को बहुत ग्राउंड फ्लोर तक लेके जाऊंगी। जिस तरीके से पार्टी ने मेरे पे विश्वास किया है, मैं उसी तरीके से काम उनको करके दिखाऊंगी। किस तरीके से की स्कीम होगी इसमें, जो गरीब परिवार उसके लिए किस तरीके से? देखिए, इसमें लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए स्कीम इसके अंडर फॉल करती है। लड़कियों के लिए जो भी स्कीम इसके अंडर, जब हमारी पार्टी ऑफिस में मीटिंग्स होंगी, किस तरीके के कार्यक्रम जैसे हमें ऊपर से आएंगे, जो स्कीम हमें ग्राउंड फ्लोर तक लानी होगी, मैं वो हमेशा उसी चीज को लेकर बहुत आगे काम करूंगी। जो आने वाले समय में जो आपके नए काम वार्ड में लगने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वार्ड का तो ये है कि बहुत सारे काम हो चुके हैं, तो बहुत सारे काम चल रहे हैं। आने वाले दिनों में जो मैं अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लेकर जो काम कर रही थी, वो काम लगने जा रहे हैं, जिसकी मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। और मैंने बहुत मुश्किल से, बहुत संघर्ष के बाद आज वो दिन आया है कि जब मेरे वार्ड में वो काम लग रहे हैं जो मेरे इलेक्शन मैनिफेस्टो में थे, जैसे कि गुरुद्वारा, जो कम्युनिटी हॉल, एक गुरुद्वारे के ऊपर एक कम्युनिटी हॉल बनाना था वो, और एक टूटियां, जो कि बहुत देर से लोगों की डिमांड थी कि अम्फला में टूटियां बनाई जाए, और एक आगे अम्फला में जो नाला है उसकी बहुत बुरी कंडीशन थी वो, और सबसे बड़ी बात कि जो ब्लू वाइन शॉप के पास जो नाला है, जो लोगों ने, इनफैक्ट मुझे लगता है कि हाईकोर्ट के पास जो रोड जो डैमेज हो रही थी उस नाले की वजह से, वो मैं उसको अब बनवाने जा रही हूँ। सो इस तरीके से ऐसे आने वाले दिनों में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है मेरे पार्क का, हमारे पकतलाब में एक पार्क है जो कि बहुत वर्स्ट कंडीशन में है, उसका एक प्रोजेक्ट में काम लगने जा रहा है जो कि 50 लाख का है। सो आने वाले दिनों में बहुत सारे काम ऐसे लग रहे हैं जो मैं भी चाहती थी कि मेरी वार्ड में बहुत पहले से हो जाने चाहिए थे, पर कोरोना वायरस आने के कारण, एक पेंडेमिक ईयर होने के कारण ये थोड़े डिले हो गए थे। किस तरीके से आप अपनी टीम को लेके काम करेंगे? देखिए, टीम जो वर्क है, जैसे हम काउंसलर हैं तो हमारा वर्क डेडिकेशन जो है वो दिखता है, वो लोगों तक पहुंचता है, चाहे वो थोड़ा उसमें टाइम क्यों ना लगे, पर वो चीज़ें होती हैं। तो उसी तरीके से अब जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में मुझे इंचार्ज जम्मू वेस्ट का बनाया गया है, मैं बहुत डेडिकेशन के साथ इसको आगे लेकर जाऊंगी और अपनी टीम के साथ पूरा इसको ग्राउंड फ्लोर तक लाऊंगी।